ये हमारे पास 18th लेक्चर का 18th लेक्चर हमारे पास बीस बायोलॉजी बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्स का डिलीवर करने जा रहे हैं। तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे और उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए। जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, इसी तरह आज हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन था। A number g is said to be arithmetic mean, उसको g dot m भी बोलते हैं geometric mean को। g is said to be arithmetic mean between two numbers a and b if g a b are in g b, if a g b are in g b, geometric progression हो। यानी हमारे पास ऐसा number दो numbers a और b का geometric mean कहलाएगा अगर ए और बी के दरमियान जी को लिखा जाए। तो ये जो तीन नंबर का सीक्वेंस बनता है ए जी बी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कम होता है जब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म ये नंबर सेम आए। अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें यानी इनकी कॉमन रेशियो कंसेक्यूटिव टर्म्स की हमारे पास क्वोशेंट कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम आ जाए। थर्ड को टू से डिवाइड करें या टू को वन से डिवाइड करें, तो कोई भी नंबर दो नंबर्स ए बी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा अगर उस नंबर को उन दो नंबर्स के दरमियान में रख दिया जाए। तो तीन टर्म्स का जो सीक्वेंस बने वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। और किसी भी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बोलते थे? जब उसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कोशेंट सेम आ जाए, कॉमन रेशियो सेम आ जाए। थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड करें या सेकेंड को वन से डिवाइड करें, आंसर सेम आ जाए। सो इन दिस सेंस इफ जी इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ A and B, then A, small a, G, B, R, A, G, B. G, P में होंगे तो कॉमन रेशियो सेम होंगे, यानी थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड B ओवर G इज इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट G ओवर A। तो G ओवर A इक्वल होगा B ओवर G के, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ G, G से मल्टीप्लाई होगा G स्क्वायर हो जाएगा और A, B से मल्टीप्लाई करके A, B बन जाएगा। जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और जब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। यहाँ पे प्लस माइनस है, ये बुक के प्रिंट में मिसिंग है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला जो आपने जहन में रखना है। अगर ए बी दो नंबर्स हों, एक तो हमने जनरल डेफिनेशन दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उन दो नंबर्स के दरमियान अगर उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो नंबर रखा जाए जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, तो वो तीनों नंबर का सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। और अगर दो नंबर दिए और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूले से जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, तो ए बी की वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास जो दो वैल्यूज आएंगी वो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएंगी और बी का। एंड इसी तरह एंड ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड देखें, एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान अगर एंड ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने तो वो कैसे निकालते हैं? बिल्कुल अरिथमेटिक मीन्स की तरह द एन नंबर्स जी वन जी टू जी थ्री सो ऑन जी एन आर कॉल्ड एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इफ ए जी वन जी टू जी थ्री सो ऑन जी एन बी आर इन जी पी। तो जिस तरह ज्योमेट्रिक मीन सिंगल की डेफिनेशन है, इसी तरह एंड ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है। मीन ये जी वन जी टू जी एन हमारे पास एंड ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएंगे ए और बी के दरमियान। अगर ए और बी के दरमियान इनको कंसेक्टिव रखा जाए तो ये सारा जो हमारे पास एन प्लस टू टर्म्स का सीक्वेंस है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स और दो बार वाली टू टर्म्स का सीक्वेंस, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो ये उसकी कुछ जनरल टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डिस्कस की गई हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा अहम एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। देखिए, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 16। तो 4 ए है और बी हमारे पास 16 है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी है। तो हमने यहाँ पे ए की जगह पे 4 को रखा, बी की जगह पे 16 को रखा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 64, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64, 64 का स्क्वायर रूट आ गया और बाहर इसके है प्लस माइनस। दिस इज इक्वल टू
64 का जो स्क्वायर रूट है तो वो 8 के इक्वल होता है, तो ये आ गया प्लस माइनस 8। दैट द ज्योमेट्रिक मीन मे बी पॉजिटिव 8 और माइनस 8, तो ये 8 भी हो सकता है और माइनस 8 भी हो सकता है, यानी दोनों इसके आंसर है। इंसर्टिंग ईच टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 16 वी हैव टू ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस 4 8 16 एंड 4 माइनस 8 16। इन द फर्स्ट केस आर इज 2 एंड इन द सेकेंड केस आर इज माइनस 2। मतलब जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई नंबर ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है अगर उसको उन दो नंबर्स के दरमियान रखा जाए तो तीन नंबर्स का सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो यहाँ पे 4 और 16 के जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स निकल रहे हैं, 8 और पॉजिटिव 8 और नेगेटिव 8, तो हम ये चेक करने के लिए कि क्या 8 को 4 और 16 के दरमियान रखने से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, तो देखिए 4 8 16 क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये जानने के लिए हम थर्ड टर्म को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, अगर नंबर सेम आया तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 16 को 8 से डिवाइड करें आंसर इज 2, 8 को 4 से डिवाइड करें आंसर इज 2, तो इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस तरह अगर माइनस 8 को 4 और 16 के दरमियान रखें तो 16 को माइनस 8 से डिवाइड करें आंसर माइनस 2, माइनस 8 को 4 से डिवाइड करें आंसर माइनस 2, तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस नंबर 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन 8 भी है और माइनस 8 भी है। इस तरह सेकंड एग्जांपल देखें, जैसे हम दो नंबर्स के दरमियान एक ज्योमेट्रिक मीन भी निकालते थे और दो नंबर्स के दरमियान दो तीन या चार अरिथमेटिक मीन या ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स भी निकालते थे, जैसे हमने जनरल डिस्कशन पढ़ी कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू एंड वन ओवर टू, टू लाइक ए एंड वन ओवर टू लाइक बी। सो हम सपोज करते हैं लेट जी वन जी टू जी थ्री बी थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स, तो हम तीन ज्योमेट्रिक मीन्स सपोज कर लेते हैं बिल्कुल जितना हम दो या तीन अरिथमेटिक मीन्स सपोज करते थे और उसको टू और वन ओवर टू के दरमियान में रखते हैं, टू जी वन जी टू जी थ्री वन ओवर टू। अगर हम इनको ज्योमेट्रिक मीन्स सपोज करते हैं तो ये जो सीक्वेंस फाइव टर्म्स का, यानी तीन ज्योमेट्रिक मीन्स और दो नोन टर्म्स, फाइव टर्म्स का सीक्वेंस है आर इन जी पी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, जिसमें फर्स्ट टर्म होगी टू और फिफ्थ टर्म होगी, यानी देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म होगी वन ओवर टू, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है फाइव। ये फाइव को क्या हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या कब फाइंड आउट कर सकेंगे जी वन, तो हमारे पास जी वन जो इक्वल आएगा वो फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो हम आर आएगा तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी वन आ जाएगा, और इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी टू आ जाएगा, जी टू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जी थ्री आ जाएगा। तो हमें आर चाहिए, आर फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। ए फाइव को हम लिख सकते हैं ए वन आर रेज टू पावर फोर, ए वन आर रेज टू पावर फोर, तो ए वन आर रेज टू पावर फोर इक्वल आ जाएगा वन ओवर टू के। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिए एन इज इक्वल टू पावर ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ये जनरल एन टर्म होती है, एन की जगह हमने फाइव रखा तो ए फाइव आ गया, ए वन आर रेज टू पावर 5 minus 1 means a5 is equal to r raised to r1 raised to power 4. Now by substituting the values of a5 and a1 in 1, we have, हम जो वैल्यू पुट करते हैं a1 की 2 और a5 की वैल्यू पुट करते हैं 1 over 2, यहाँ से कहाँ पे, यहाँ पे a5 की वैल्यू 1 over 2 और a1 की वैल्यू 2, ये पुट किए थे तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसको हमने सॉल्व किया है, टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो टू टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर रेस्ट पर फोर इज इक्वल टू वन ओवर फोर, दोनों तरफ से स्क्वेयर रूट लिया तो हमारे पास आर स्क्वेयर की वैल्यू होगी प्लस वन ओवर टू और माइनस वन ओवर टू। आर स्क्वेयर की वैल्यू एक तो हम रखते हैं वन ओवर टू और दूसरे तरफ रखते हैं माइनस वन ओवर टू। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक हमने कुछ पढ़ा था, तो एटा बराबर होता है माइनस वन स्क्वेयर रूट के और एटा स्क्वेयर बराबर होता है माइनस वन के, तो माइनस वन को हम लिख सकते हैं एटा स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर बराबर आ गया एटा स्क्वेयर ओवर टू के और आर स्क्वेयर बराबर आ गया वन ओवर टू के। इधर अगर हम दोनों तरफ से स्क्वेयर रूट लें तो आर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस वन ओवर टू स्क्वेयर रूट के, और इधर हम दोनों तरफ से स्क्वेयर रूट लें तो आर इक्वल आ जाएगा, स्क्वेयर रूट के साथ एटा का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और नीचे टू का स्क्वेयर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वन ओवर टू स्क्वेयर रूट एटा के, इधर भी स्क्वेयर लिया और इधर भी स्क्वेयर लिया।
अब हम आर की चार वैल्यूज आ रही है, चारों वैल्यूज के लिए हर आर की हर सिंगल वैल्यू हमारे पास g1, g2 और g3 देगी। फॉर एग्जांपल जब आर 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट हो तो g1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय आर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, और उसको ज़ाहिर सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऊपर नीचे 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 2 2 से कट जाएगा और 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो g1 क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट। इस तरह g2 क्या आएगा, या हम g1 को मल्टीप्लाई कर दें r से, या हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें r स्क्वायर से। तो फर्स्ट टर्म को जो देखें, ये हमारे पास g2 क्या आ रहा है, ar स्क्वायर, g3 क्या आ रहा है, ar^3। तो हम g2 के लिए क्या करते हैं, a1 r स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो a1 हमारे पास है 1/2 a2, और r हमारे पास है 1/2 स्क्वायर रूट। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की और इसका आंसर आ गया। आंसर आप खुद से चेक कर सकते हैं, स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, 2 सेकंड्स का जाएगा, g2 हमारे पास आ गया 1। इस तरह g3 के लिए हम g3 है a r^3, a1 की वैल्यू 2, r की वैल्यू हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट, ये पुट की और इसको सॉल्व किया तो 1/2 स्क्वायर रूट आ गया। तो ये r की एक वैल्यू के लिए हमने g1 निकाला, g2 और g3 निकाला। सिमिलरली r की सेकंड वैल्यू के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए, मैं रिपीट करता हूँ, r की दो वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है इसके, इसमें r इक्वल है ±1/2 स्क्वायर, ये प्लस माइनस इधर है, यहाँ पे r इक्वल है ±1/2 स्क्वायर रूट है हटा के। आर की चार वैल्यूज हैं, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ, चारों वैल्यू हर सिंगल वैल्यू के साथ g1, g2, g3 हम निकालेंगे। तो हम बताएंगे कि वेन आर दिस हो तो g1, g2, g3 ये होंगे। इस तरह से ये हमारे पास g1, g2, g3 आ गए। दीज आर द थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 1/2। इसका नेक्स्ट पार्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।